हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अच्छी हूँ। और आज जो है हम लोग जा रहे हैं रमज़ान की, जैसा कि रमज़ान बहुत करीब है, बस कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं रमज़ान में, तो हम लोगों ने सोचा जो भी सामान लेना है तो हम लोग क्यों ना जाके जल्दी से ले लें, फिर बाद में सब लोग बहुत बिज़ी हो जाएंगे और वैसे भी रमज़ान में मौका नहीं मिलता है। हम सब लोग कोशिश यही करते हैं कि रमज़ान से पहले जो भी खरीदना है हम लोग खरीद लें। और हम लोगों ने सोचा था कि विशाल जाएंगे, वहीं से जो भी सामान हमें लेना होगा हम ले लेंगे, जो कि हमारे घर के बहुत नज़दीक है। अगर हम चाहे तो हम पैदल भी जा सकते हैं और अगर हम चाहे तो रिक्शा भी करके जा सकते हैं, बहुत ही नज़दीक पड़ता है। लेकिन फिर एंड मौके पर डिसाइड हुआ कि हमें विशाल नहीं जाना है, स्मार्ट बाज़ार जाना है, क्योंकि वहाँ पर और अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है वहीं चलते हैं, तो अभी हम लोग निकल गए हैं स्मार्ट बाज़ार के लिए। एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्मार्ट बाज़ार और पापा को किसी और काम से जाना था यहीं कुछ दूर पे, तो उन्होंने हमें यहाँ छोड़ दिया है। तब तक हम यहाँ पे सामान ले लेंगे, उसके बाद जब पापा आएंगे तो फिर हम लोग उनके साथ यहाँ से निकल जाएंगे। और वैसे हमें मेन हम तो सिर्फ रमज़ान का सामान ही लेने के लिए आए हैं, तो हम लोग यहाँ बिल्कुल भी वेट नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमें कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रमज़ान का शॉपिंग करना है। तो हमने बिना देरी किए हुए हम चल गए ऊपर। तो अभी हमने ले लिए ट्रॉली और अब हम लिस्ट बना के लेके आए हैं घर से कि हमें जो भी चाहिए, क्योंकि फिर जब भी हम मार्केट में आते हैं तो कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। और रमज़ान जैसे ही आता है सबसे पहला ख्याल जो हमारा आता है वो है रूह अफ़ज़ा, यहीं से शुरुआत होती है हमारे रोज़े रमज़ान और इफ्तार की, जो इसके बिना और इसके जो इसके बिना शुरू और ख़त्म बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला जो ऑब्वियसली रूह अफ़ज़ा लेंगे हम, जिसमें सिर्फ 18 रुपये ऑफ है। मुझे लगा था कि एक पे एक फ्री है, ऐसा मुझे कंफ्यूजन हो गया था पर ऐसा कुछ नहीं था। एनीवेज अभी हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ सोया सॉस और अभी देखते हैं आगे चल के। इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी फालूदा, क्योंकि केसर पिस्ता है ये। अगर आप फालूदा ले रहे हो तो सबसे अच्छा इसका जो फ्लेवर है वो केसर पिस्ता का ही है, बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी हम लोग और देख रहे हैं मेयोनीज, तो ऑब्वियसली ये तो चाहिए ही चाहिए हमें रमज़ान में। सो यहाँ पे मैंने ले लिया है मेयोनीज। एंड ये है फूड कलर, तो मैंने यहाँ पे दो कलर लिए, एक पिंक और एक रेड। सो ये है नूडल्स और यहाँ पे जो है सारे इंटरनेशनल फूड है, सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं यहाँ पर जो भी आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के चॉकलेट्स वगैरह यहाँ पर सब चीज़ है, ये आप देख सकते हैं। और ये है खजूर, जिससे हम अपना रोज़ा खोलेंगे। और अभी देखते हैं आगे और हमें क्या लेना है। ओ माय गॉड, यहाँ पे ये मुझे क्या दिख गया। वैसे मुझे मिल्क पाउडर तो चाहिए था, लेकिन जब मुझे इतनी वैरायटी में दिखा जो तुम बचपन के याद आ गए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ऐसे ही मिल्क पाउडर खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी बच्चों को भी बना कर देती थी तो जब देती तो मैं भी खाती रहती थी, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। लगभग हो चुका है तो अभी हम लोग चलते हैं घर।
सो यहाँ पे हम लोग रमज़ान के लिए सारा सामान जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लेके आ गए थे, और अभी इसको सारे सामान को सारे कंटेनर्स में हमें डालना है। अभी फ़िलहाल जब कल हम आए थे तो हमने इसी तरह से सोफ़े में रख दिया था ताकि हम लोग कल आराम से सारे डब्बे वब्बे धुलवा लेंगे, उसके बाद ही सब में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे सारे डब्बे हैं जिसको हम लोगों ने कल रात ही खाली कर दिया था ताकि दीदी कल सुबह आए तो वो अच्छी तरीके से उनको साफ़ कर दे। तो अभी फ़िलहाल दीदी ने इन सारे डब्बों को धो दिया है और ये बस सूखने का वेट कर रहे हैं। अच्छी तरह से सूख जाएंगे फिर सारे चीज़ जो है इसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि हमें भी इजी हो जाता है कोई भी सामान निकालने में अगर वो डब्बे में रहता है तो। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हमारा कंटेनर जो अच्छी तरह से एकदम सूख चुका है और मैंने एक बार अपनी तसल्ली के लिए अच्छे से पोंछ भी दिया, इसको कपड़े से साफ़ कर दिया ताकि पानी जो है कहीं पे भी ना रहे, उससे कोई भी सामान ख़राब हो जाता है। सो अब जाके हम लोग जो है कंटेनर में फिल करने लगे हैं सारा सामान। यहाँ पर जो अब देख रहे हैं ये चावल है, और ये बहुत तरह का चावल है, जोहा है, इसमें बिरयानी का भी चावल है। पापा ने बहुत तरह का चावल ले लिया है मॉल से, ज़्यादातर हम लोग जोहा और इंडिया गेट ही खाते हैं। रमज़ान में ज़्यादातर यहाँ पे पुलाव और बिरयानी बहुत ज़्यादा बनता है, तो चावल हम लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। और जब तक हम लोग ऊपर में कुछ कुछ सामान देख रहे थे तब तो पापा ने बहुत तरह का चावल ले लिया, तो मैं यहाँ पर अभी डब्बे में डाल रही हूँ, जितना आ रहा है उतना डाल रही हूँ, बाकी का मैं रख दूँगी ताकि किचन में जो भी हम लोग के कंटेनर्स रहे उसमें सब सामान आगे रहे और हमें निकालने के बनाने में बहुत आसानी हो जाए इस वजह से। और ये है रोस्टेड सेवई जो कि हम लोगों ने लिया था, एक बिना रोस्टेड भी मिलता है और एक रोस्टेड भी मिलता है, तो मैंने रोस्टेड इसलिए लिया क्योंकि जब भी हम लोग बिना रोस्टेड लेते हैं तो उसको हल्का सा रोस्ट करके ही बनाते हैं, तो अगर ये वाला लेते हैं तो इसको रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, बस हल्का सा गर्म करके उसके बाद दूध डाल के आप जिस तरह से आप बनाते हैं आप बना सकते हैं इसको बहुत आराम से। और अब मैं फ्रिज में रू अफज़ा को रख रही हूँ, यहाँ पे जितना भी सामान जो कि फ्रिज में रखने वाला है वो सबको अभी फ्रिज में डाल देते हैं। इस बार चिकन मसाला की जगह मैंने लिया है तंदूरी चिकन मसाला, क्योंकि चिकन मसाला ऑलरेडी हमारे पास था तो मैंने सोचा तंदूरी चिकन मसाला को इस बार ट्राई करते हैं कि किस तरह का होगा। सो अब जो है चने की बारी है, इसको भर लेते हैं इस डब्बे में। सबसे ज़्यादा जो हमारा रमज़ान में यूज़ होता है ओबियसली वो तो चना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रूह अफ़ज़ा तो है ही, क्योंकि जैसे हम रोज़ा खोलते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है शरबत की, जो कि हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाहे हम यहाँ हो या वहाँ हो, सबसे पहले हमें शरबत की तलब होती है। सो रमज़ान की प्रिपरेशन जो है वो हर घर में अब स्टार्ट हो चुकी है। एनीवेज आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियोस। सो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, इस तरह के वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।